गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम का पहला और नंबर वन वेब न्यूज चैनल, जहां दिखाई जाती हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। आज गुरुग्राम में ऐसी बरसात हुई कि सरकारी दावों के पोल के ढोल फट गए और गुरुग्राम की तस्वीरें जो हमने आप लोगों को दिखाई, अलग अलग इलाकों में किस कदर जल भरा हुआ है। अब आप लोगों को बताते हैं कि गुरुग्राम में आखिर कितने एमएम बरसात हुई है, जिसकी वजह से गुरुग्राम के प्रशासन की सभी दावों की पोल खुलती हुई चली गई। आपको लेटर दिखाते हैं जो डीसी ऑफिस से जारी किया गया है। ये जो अनुमान लगाया गया है कि कल सुबह यानी कि 18 जुलाई सुबह 8 बजे से और 19 जुलाई सुबह 8 बजे तक गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में इतनी बरसात हुई है। गुरुग्राम तहसील की अगर बात करें तो 120 मिलीमीटर बरसात हुई, कादीपुर सब तहसील में 122 मिलीमीटर, हरसरू में भी 122 मिलीमीटर, इसके अलावा वजीराबाद में सबसे उससे ज़्यादा 136 मिलीमीटर, बादशाहपुर सब तहसील में 80 मिलीमीटर और सोहना तहसील में सबसे ज़्यादा बरसात हुई है, दर्ज की गई है वहाँ पर 192 मिलीमीटर। इसके अलावा मानेसर में 50, पटौदी में 81 और फरूखनगर में 83। ये 24 घंटे का आंकड़ा जो डीसी ऑफिस के द्वारा जारी किया गया है, इतनी बरसात हुई है और इस बरसात ने गुरुग्राम प्रशासन के उन तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है जिसमें दावे किए गए थे कि इस बार गुरुग्राम में पानी नहीं भरने दिया जाएगा। एक तस्वीर आप लोगों को दिखाते हैं और तस्वीर इतनी अच्छी है कि तारीफ हर किसी को करनी चाहिए इस काम की। ये तस्वीरें हैं गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के कर्मियों की, जिन्होंने इस संकट की घड़ी में जो काम GMDA और MCG और HSVP के कर्मचारियों का था, अधिकारियों का था, वो काम गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी करते हुए सड़क पर नजर आए। बरसात के बीच वो सड़कों पर खड़े रहे ट्रैफिक चलवाने के लिए, यहाँ तक कि वो सीवर के ढक्कनों को हटाकर पानी निकालते हुए भी नजर आए। ऐसे पुलिस कर्मियों की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। इनका काम भी नहीं है पानी निकालना, लेकिन फिर भी अपनी जिम्मेवारी के साथ साथ अतिरिक्त प्रभार लेते हुए इन्होंने जो नगर निगम द्वारा काम किया जाना था या GMDA द्वारा काम किया जाना था वो काम इन लोगों ने किया और गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में इस तरह पुलिस कर्मियों ने अच्छे काम किए हैं जिनकी तारीफ तो बनती है। हमारी आपसे भी अपील है कि आपको ये तस्वीरें अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर आप लोग शेयर कीजिएगा। एक ट्वीट और आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। ये ट्वीट आपके शहर के माननीय विधायक सुधीर सिंगला जी ने किया है, जिन्होंने शाम को 5:08 पर ये ट्वीट किया कि कल रात से हो रही मूसलाधार बारिश के बाद शहर में विभिन्न जगहों पर जलभराव की समस्या के दूरगामी समाधान हेतु मौका मुआयना किया है, मेरा प्रयास जारी है। विधायक जी बाहर निकले हैं, सुबह से गुरुग्राम में अलग अलग इलाकों में जलभराव की स्थिति है। विधायक जी शाम को 8-10 घंटे के बाद निकले हैं और जायजा ले रहे हैं, मौका मुआयना कर रहे हैं। इसके बारे में प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं। ये तस्वीर दरअसल जो हमारे इलाके के सांसद हैं माननीय राव इंद्रजीत सिंह, उनके मीडिया प्रभारी ने ये प्रेस नोट जारी किया है और उन्होंने ये प्रेस नोट में कहा है कि राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम के जिला के अधिकारियों को कहा है कि बरसाती पानी निकासी के लिए जल्द प्रबंध करें अधिकारी। ऐसा जो हमारे सांसद हैं माननीय राव इंद्रजीत सिंह, उन्होंने ये कहा है। तो इसके बारे में भी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर इस खबर के कमेंट सेक्शन में जाके आप दें कि हमारे जो माननीय हैं, जो हमने चुनकर भेजे हैं, उनकी जिम्मेवारी क्या है और उन्होंने क्या हमारे शहर के लिए किया है और क्या आदेश वो लोग दे रहे हैं, उसके बारे में प्रतिक्रिया आप लोग दें। अब आप लोगों को दिखाते हैं, हमारे दर्शकों ने हमारे पास कुछ तस्वीरें भेजी हैं, कुछ वीडियोज़ भेजी हैं अपने अपने इलाके की। उन इलाकों की तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं, क्या क्या हाल रहे वहाँ पर, कितना जलभराव रहा। सबसे पहली तस्वीर जो बहुत वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, शीतला माता मंदिर के पास जलभराव सबसे ज़्यादा देखा गया और वहाँ पर जो जलभराव था उसमें इंसान के कमर के ऊपर तक पानी चला जाए, इतना पानी सड़कों पर भरा हुआ था। लेकिन लोगों की आस्था ऐसी है कि ऐसी संकट की घड़ी में, ऐसी जो विषम परिस्थितियाँ हैं उसमें भी वो लोग शीतला माता के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते चले गए। और ये तस्वीरें आप लोगों के सामने गवाह हैं कि जो प्रशासन के दावे हैं, जो उनकी व्यवस्था है, उनकी किस तरह पोल खुलती है, ये तस्वीरें उसकी सामने गवाह हैं। एक दूसरी तस्वीर हमारे पास आई है और बड़ी अहम जानकारी भी है कि एम्बियंस मॉल में एक तीसरे फ्लोर पर एक शेड गिर गया बरसात की वजह से,
जो फन जोन बना हुआ है थर्ड फ्लोर पर एम्बियंस मॉल में, वहां पर ये शेड गिर गया जो कि टेम्परेरी शेड बनाया हुआ था, और उसकी वजह से अब एम्बियंस मॉल में भी पानी भर गया है। इसलिए एम्बियंस मॉल को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है विजिटर्स के लिए अगले आदेशों तक। हालांकि इसमें जिला प्रशासन की कोई कमी नहीं है, लेकिन एक जानकारी के तौर पर आप लोगों को ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अब आप लोगों को धीरे धीरे हम आगे तस्वीरें दिखाते हैं जो हमारे दर्शकों ने हमें भेजी है। अशोक विहार फेज टू की तस्वीर ये आप देख लीजिए, हमारे एक दर्शक ने हमारे पास ये तस्वीर उपलब्ध कराई है, जहां पर अशोक विहार फेज टू में गली नंबर एक हो, गली नंबर दो हो, हर जगह यही हालात बदस्तूर जारी रहे आज पूरे दिन। इसके अलावा मदनपुरी की तस्वीर अब आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। मदनपुरी से हमारे एक दर्शक ने हमें तस्वीर भेजी है, वहां भी पानी लबालब गलियों में भरा हुआ है। बहुत से इलाके तो ऐसे हैं जहां पर लोगों के घरों के अंदर पानी चला गया है और उनके जो जरूरी सामान हैं, बेड्स हैं, फ्रिज हैं, बाकी इक्विपमेंट्स हैं, वो बिल्कुल पूरी तरीके से खराब हो गए, पानी में डूब गए हैं। इसके अलावा अब अगली तस्वीर दिखाते हैं जो हमारे दर्शक ने भेजी है, शीतला कॉलोनी की तस्वीर ये आप लोगों को हम दिखा रहे हैं, जहां पर पानी भरा हुआ है। कुछ लोगों ने फोटोग्राफ्स भी भेजे हैं, वो भी आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा गुरुग्राम में जहां पर पोस्टमार्टम किया जाता है, मोर्चरी जिसे डेड हाउस कहा जाता है, वहां भी पानी भर गया है। वहां भी देखिए कि जो आज शव डेड हाउस में लाए गए, उनको इस पानी से होकर, जो ले जाने वाले थे उनको इस पानी से होकर गुजरना पड़ा, इतना पानी यहां पर भरा हुआ है घुटने से ज्यादा। ये डेड हाउस की तस्वीरें हम गुरुग्राम की दिखा रहे हैं। उसके साथ ही पुलिस स्टेशन बना हुआ है, सिटी पुलिस स्टेशन, उसका भी हाल आप देख लीजिए कि किस तरह घुटनों से ऊपर यहां पर पानी भरा हुआ है सिटी पुलिस स्टेशन में। सुबह जो तस्वीरें आप लोगों को दिखाई थी सदर पुलिस थाने की दिखाई थी, जहां पर पानी भरा हुआ था, और ये सिटी पुलिस स्टेशन की भी तस्वीरें आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। इसके अलावा पुलिस लाइन से भी हमारे पास कुछ तस्वीरें आए हैं, कुछ पुलिस के हमारे दोस्त हैं जिन्होंने हमें ये तस्वीरें उपलब्ध कराई हैं। पुलिस लाइन की तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं कि पुलिस लाइन में भी पानी यहां पर भरा हुआ है और लोगों को यहां भी परेशानियां उठानी पड़ी। एक महत्वपूर्ण तस्वीर और हमारे पास आई है जो कि हुडा कॉलोनी की है, और हुडा कॉलोनी वो कॉलोनी है जहां पर जिस विभाग के पास इस तरह के काम हैं पानी से निपटने के या जो जन सुविधाएं देने के, उन खुद उन अफसरों की, उन कर्मचारियों की कॉलोनी है, और उनकी कॉलोनी का खुद का ये हाल देख लीजिए आप कि उनकी कॉलोनी में किस कदर पानी भरा हुआ है। कुछ इलाकों में तो जो हुडा कर्मचारी हैं उनके घरों के अंदर भी पानी चला गया है और उनके सामान जो है वो बिल्कुल भीग चुके हैं। अब एक तस्वीर और हमारे पास आई है, GNCBL बस यानी कि गुरु गमन बस के अंदर भी पानी कितना भर गया, सड़कों पर कितना पानी था, ये उसकी तस्वीर है जो हमारे एक दर्शक ने हमारे पास उपलब्ध कराई है कि बसों के अंदर भी किस तरह पानी अंदर पहुंच गया। तो ये सड़कों के हाल हैं कि सड़कों पर कितना पानी मौजूद था, ये सब हालात हैं। खांडसर रोड की एक तस्वीर दिखा रहे हैं जो सुबह सुबह हमारे पास एक दर्शक ने भेजी है, ये सारी तस्वीरें वो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। जितने हमारे दर्शक हैं उन्होंने हमें तस्वीरें उपलब्ध कराई हैं, वो तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। सेक्टर 10A की तस्वीर आप देख लीजिए, सुबह भी हमने तस्वीर हमारे संवाददाता कवर करके आए थे, वहां के इलाके की तस्वीरें वो भी दिखाई, और ये सेक्टर 10A से हमारे एक दर्शक ने भेजी है तस्वीर, वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। सेक्टर 5 की तस्वीर आप देख लीजिए, सेक्टर 5 की तस्वीर एक दर्शक ने भेजी है, यहां भी यही हालात है। गुरुग्राम के हर इलाके में इसी तरह के हालात रहे आज दिन भर, और जो बरसात है वो 24 घंटे में जो अनुमानित है, एक एवरेज अगर लगाई जाए पूरे जिले की, तो 120-130 मिलीमीटर के आसपास जो बरसात है वो हुई है। इसके अलावा बजघेड़ा की तस्वीर आप लोगों को दिखा रहे हैं, वहां से भी एक दर्शक ने हमारे पास तस्वीरें भेजी हैं। बजघेड़ा के अलावा आपको MG रोड पर SL टावर एक सोसाइटी है, उसके मेन एंट्रेंस की ये तस्वीरें आप लोगों को दिखा रहे हैं, जहां पर लबालब पानी भरा हुआ है और जो टैंकर्स हैं उनके द्वारा इस पानी को यहां से निकाला जा रहा है। इस तरह के हालात आज गुरुग्राम में, पूरे लगभग गुरुग्राम में रहे, सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस वायरल हो रही हैं और हमने ये कुछ अथेंटिक वीडियोस आप लोगों को दिखाई हैं, दर्शकों ने हमारे पास भेजी हैं, इनको सत्यापित किया गया और उसके बाद ही ये वीडियो आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। और ये वीडियो कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारियों के उन तमाम व्यवस्थाओं की पोल खोलती है जो दावे किए गए थे कि इस बार गुरुग्राम में जलभराव नहीं होने दिया जाएगा, व्यवस्था की गई है, लेकिन करोड़ों रुपए फूंक दिए गए, कोई व्यवस्था नहीं की गई। इस बरसात ने ये साबित कर दिया है कि गुरुग्राम प्रशासन ने मानसून से निपटने के लिए, जलभराव से निपटने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की थी। अगर कोई व्यवस्था की होती तो पुलिस कर्मियों को इस तरह सीवर के जो ढक्कन हैं उनको नहीं हटाना पड़ता, उनको हाथों में जो डंडियां हैं वो लेकर सीवर को साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पुलिस कर्मियों को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो तस्वीरें आप लोगों के सामने हैं, क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। गुरुग्राम के हर इलाके में इसी तरह के हालात रहे,
उम्मीद करते हैं कि जिले के अधिकारी जिनके ऊपर जिम्मेवारियां हैं कि गुरुग्राम को की स्थिति को ऐसा दोबारा ना होने दिया जाए, वो कम से कम इन तस्वीरों से कुछ सबक लें, घर से बाहर निकले, ऑफिस से बाहर निकले, इस वर्चुअल वर्ल्ड से बाहर निकले कि वर्चुअल मीटिंग की उससे बाहर निकले और बाहर निकल के काम करें, जरा स्थिति को समझें कि आखिर क्यों ऐसी स्थिति पैदा हुई है और क्यों आखिरकार गुरुग्राम इतना जलमग्न हो गया, आखिर क्या रास्ता निकाला जाए। ये सब उपाय करने की आवश्यकता है क्योंकि गुरुग्राम का नाम बार बार ऐसे खराब ना करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। हमसे जुड़ने के लिए और अपने शहर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपके इलाके की कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर अभी कॉल करें।